वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हु आर इंडल्जिंग फॉर प्रिपेयरिंग मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. माई सेल्फ इज सुनील सिंह जसरोटिया एंड आई स्टार्ट ए न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम सोशल साइंस. सो बिफोर प्रोसीडिंग द चैप्टर, फर्स्टली ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट you may get my other online video classes pertaining to social science and other important aspects which are valuable to all the viewers, and always need your comments for improvement in my further videos. Let's start with chapter Nationalism in India, Unit 2nd from History of Class 10th. Before starting this chapter, I will tell you that this chapter is divided into four sections. First section is First World War, Khilafat Movement and Non-Cooperation Movement. ये हमारा first section था. First section में हम पढ़ेंगे First World War, Khilafat Movement और Non-Cooperation Movement. तो students, जो हमारा second section होगा वो next video में मैं आपको बताऊंगा. वो नेक्स्ट सेक्शन जो होगी वो होगी डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, कि जो नेशनल मूवमेंट्स थे हमारे इनमें अलग अलग स्टैंड्स कौन कौन से रहे हैं, जैसे विलेजेस में किस तरह से, टाउन्स में या अदर सोशल ग्रुप्स में ये मूवमेंट किस तरह से अपना इन्होंने रोल प्ले किया. इसी तरह से जो थर्ड पार्ट होगा इसी चैप्टर की, जो थर्ड सेक्शन होगी दैट इज टुवार्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस तरह से भारत में अपना उसने अपना रोल प्ले किया. इसी तरह से जो लास्ट सेक्शन होगी दैट इज अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो उस चैप्टर में हम ये इस टॉपिक को लेंगे. तो इससे पहले कि ये जो बाकी सेक्शंस हैं वो हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगले फर्दर वीडियोस होंगे वो आप उसमें इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे. तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो था 1920 से स्टार्ट है, यानी कि इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड द स्टडी नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, एंड वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सो टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट्स एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, किस तरह से जो है कांग्रेस का रोल रहा और किस तरह से जो है हमारे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में क्या क्या रोल प्ले किए. तो स्टार्ट करने से पहले हम जो, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट ब्लॉक है, जो फर्स्ट सेक्शन है, उसमें तीन हम एरियाज को कवर करेंगे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एज यू नो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1914 एंड एंड विद 1919. तो 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही, जिसका भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. इन द ईयर्स आफ्टर 1919 एज वी यू सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज, जैसा कि आप जानते हैं कि 1990 के बाद जितना भी हमारा जो नेशनल मूवमेंट थे ये एक नए एरियाज में गया. इसके अलावा इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स और नए सोशल ग्रुप्स इस मूवमेंट में ऐड हुए एंड डेवलपिंग ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल का जो हमारी नेशनल मूवमेंट का उसका एक जो मोड था वो डिफरेंट एंगल में चला गया. एंड हाउ डू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट किस तरह से हुई इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें, एंड व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इनकी क्या इम्प्लीकेशंस रही वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने भारत के अंदर एक नई आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थिति थी वो यहाँ पे कायम की. इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान. तो इससे क्या हुआ कि उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ गया, एंड विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस
एंड कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। उन्होंने क्या किया, भारत में बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाए, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज्ड, और वॉर ईयर में जो प्राइसेस थे डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18। तो जो 1913 और 18 के दौरान जो है जो प्राइसेस थे वो मोस्टली डबल हो गए, एंड लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। तो जो कॉमन पीपल थे, जो भारत के जनसाधारण थे, उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी। जो विलेजेस थे वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और विलेजेस को फोर्स किया गया कि वहाँ से जो यंग पीपल हैं वो वॉर के लिए जो हैं आए। एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कास्ड वाइड स्प्रेड एंगर, जिससे क्या हुआ, जबरदस्ती उन्होंने रिक्रूट किए हमारे नौजवानों को, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक रोष पैदा हुआ। देन इन 1918 एंड 1920, 1918 से लेके 1920 में भारत में क्रॉप्स जो थी वो फेल हो गई। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया तो क्रॉप इज टोटली फेल्ड एंड रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे क्या हुआ, भारत में अनाज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। एंड दिस वाज एक कंपेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और जिससे हमारे देश के अंदर एक महामारी पैदा हो गई। और अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, अगर 1921 का सेंसस को देखा जाए तो नियर अबाउट 12 to 13 मिलियन पीपल पैरिश्ड एज रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक। तो इस महामारी के कारण, अकाल के कारण जो है, करीब करीब 12 से लेकर 13 मिलियन लोग जो थे ऑन रिकॉर्ड जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से पीपल होप, लेकिन लोगों को फिर भी ये आशा थी कि दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर, कि वॉर के बाद जो है उनकी जो हार्डशिप है वो कम हो जाएगी, एंड वॉज ओवर एंड बट डिड नॉट हैपन। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि उनका जो ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार थे या ब्रिटिशर्स के जो ऑपरेशन थे वो और ज़्यादा जो है भारत में बढ़ गए। इसी दौरान 1915 के दौरान महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो गांधी जी जो है 1915 जनवरी में भारत आए। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए। वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉर द रेसिस्ट रिजम विद नोबल मैथड ऑफ द मास एग्रीटेशन। तो उन्होंने वहाँ पे जो मास एग्रीटेशन की, और उस मास एग्रीटेशन में विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसको इन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया, इन्होंने वहाँ पे जाति जो भेदभाव था ब्लैक और वाइट्स का, उसको मिटाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। तो उस आंदोलन के तहत इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का मानना था कि जो फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर्स, कि हमें किसी तरह की कोई हिंसा से जो है युद्ध हिंसा से हमें अपना आंदोलन नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस, जो हम सत्याग्रही है वो अपनी बैटल को नॉन वायलेंस से जीत सकता है। तो गांधी जी का ये विश्वास था, गांधी जी बिलीव दैट धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो वो गांधी जी का ऐसा मानना था कि नॉन वायलेंस के कारण ही, नॉन वायलेंस से ही वो पूरे भारत को यूनाइट कर सकते हैं या भारतीय लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। तो जब महात्मा गांधी जी भारत में आए, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन द वेरियस प्लेसेस। तो गांधी जी ने बहुत सारे जो प्लेसेस थे, बहुत सारी जगहों पे जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। जैसे 1917 में ही ट्रेवल टू चंपारण, चंपारण बिहार में जगह है, टू इंस्पायर द पीजन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो उस समय जो वहाँ का प्लांटेशन सिस्टम था, वहाँ पे उन प्लांटेशन सिस्टम का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उनके ऊपर बड़ा अत्याचार कर रही थी किसानों के ऊपर। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन वहाँ से स्टार्ट किया, उन किसानों को अपने साथ जोड़ा। देन इन 1917, इसी वर्ष इसी साल ही ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है ये, तो वहाँ से आंदोलन
फिर एक आंदोलन स्टार्ट किया गांधी जी ने सत्याग्रह, एंड अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट ऑफ द खेड़ा कुड नॉट पे रेवेन्यू। तो गांधी जी ने उन किसानों के प्रॉब्लम को समझा और वहाँ के जो किसान थे उस समय क्रॉप फेल हो गई थी या फिर वहाँ पे प्लेग जैसी महामारी फैल गई थी, जिसके कारण किसानों के पास जो है जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी, जिससे क्या जी वो चाहते थे दे वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन होता था लैंड से, उसको रिलैक्स किया जाए, उसको कम किया जाए। इन 1918, फिर इसी के अगले साल जो महात्मा गांधी ने 1918 में, महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, वो अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद भी गुजरात में जगह है, एंड टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमोंग द कॉटन मिल वर्कर्स। तो जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वहाँ पे, जो ब्रिटिशर्स थे वो अनलॉफुली जो था उनको ऑप्रेस कर रहे थे, जिसके कारण जो है गांधी जी ने वहाँ पे भी ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। सत्याग्रह मूवमेंट को गांधी जी चाहते थे कि इसको नेशनल वाइड जो है इन भारत में लॉन्च किया जाए। तो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉयल टैक्ट। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया, रॉलेट एक्ट 1919 में, एंड दिस एक्ट हैड हरिडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस लॉ को बड़ी जल्दबाजी में उन्होंने इसको पास किया, जो उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, हालांकि जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसको यूनाइटेडली अपोज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इसको रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, एंड इट गेव ए गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास एक इतनी पावर आ गई ताकि वो टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर, अगर कोई हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स या फ्रीडम फाइटर जो थे वो अगर कोई भी एक्टिविटीज करते थे तो उनको वो क्या करेंगे, अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो बिना ट्रायल के उनको 2 साल के लिए सजा काटने पड़ सकती है। एंड महात्मा गांधी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो गांधी जी चाहते थे कि इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें। तो उन्होंने ये मूवमेंट 6 अप्रैल को स्टार्ट की विद हड़ताल, एंड रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। तो डिफरेंट सिटीज में उन्होंने क्या किया, रैलीज को इंट्रोड्यूस किया, और इस मूवमेंट में जो आंदोलन था वो दोबारा से, ये मूवमेंट जो है बड़े लार्ज स्केल में फैला, एंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्ब। इसमें जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस थे जैसे रेलवे है टेलीग्राफ है, इनको डिस्टर्ब किया। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी डिसाइडेड इन क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, तो वो चाहते थे कि इन नेशनलिस्ट को क्लैंप डाउन किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे लोकल लीडर्स थे वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, तो उन्होंने अमृतसर से हमारे जो लोकल लीडर्स थे उनको उठा लिया। इवन जो महात्मा गांधी थे उनको भी बैन कर दिया गया कि वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ऑन 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को क्या हुआ, द पुलिस इन द अमृतसर फायर अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। तो पुलिस ने क्या किया, एक ओपन प्रोसेशन चल रहा था, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, जिसके खिलाफ जो था जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने ओपन फायर कर दिया, एंड प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक्स, और लोगों को और हमारे क्रांतिकारियों को उन्होंने प्रोवोक किया, जिसके कारण उन्होंने बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशंस पे जो है अटैक किए, जिसके कारण उन्होंने एक मैरिटियल लॉ जो है इम्पोज कर दिया। और जो मैरिटियल लॉ था उसका जो कमांड थी वो जनरल डायर को दे दी गई। और ऑन 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इंक्लोज्ड ग्राउंड, एक छोटा सा एक ग्राउंड था जलियांवाला बाग, एंड सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स ए न्यू
रिप्रेसिव मेजर्स, तो जो मैरिटियल लॉ था उसके खिलाफ जो थे कुछ क्रांतिकारी लोग जो थे उस जलियांवाला बाग में अपना एक पीसफुल आंदोलन कर रहे थे। एंड इसके अलावा जो अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, तो वहाँ पर एक बैसाखी का त्यौहार था 13 अप्रैल को, तो कुछ लोग जो थे बैसाखी के त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पे बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं जो थी वो सारे एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। एंड बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, हालांकि वो सारे लोग शहर से बाहर से आए थे, एंड मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मैरिटियल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। तो जो मैरिटियल मैरिटियल लॉ वहाँ पे इम्पोज किया गया था वो लोग उस बारे में अनअवेयर थे, उनको नहीं पता था कि इस तरह से यहाँ पे कोई मैरिटियल लॉ पास हुआ है। तो जनरल डायर को ये मौका मिला, एंड जनरल डायर एंटर द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। उसने क्या किया, एग्जिट पॉइंट जो थे वो ब्लॉक कर दिए गए एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और वहाँ पे जो भीड़ थी जलियांवाला बाग में, जिसमें हम छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनके ऊपर ओपन फायर किया एंड किलिंग हंड्रेड्स, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे वहाँ पे मारे गए, जिनमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे। जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो मेन टारगेट था जनरल डायर का, वो ये था टू क्रिएट टेरर इन इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही, कि जो सत्याग्रही हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनके माइंड में एक टेरर पैदा करना। जैसे ही ये न्यूज़ जलियांवाला बाग की स्प्रेड टुक टू द स्ट्रीट्स इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में जैसे ही ये न्यूज़ फैली, देयर वर स्ट्राइक्स, वहाँ पे स्ट्राइक शुरू हो गई, क्लैशेस हो गए विद पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक होना शुरू हो गए। तो जिसके रिस्पॉन्ड में क्या किया, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटियल रिप्रेशंस, तो गवर्नमेंट ने बड़ी अत्याचार ढंग से जो है लोगों के ऊपर ह्यूमिलेशन किया, उन पे टेररिस्ट वो अटैक किए, तो उन्होंने इस तरह से हार्श पनिशमेंट्स दी गई, जिससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इसके रिजल्ट में गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया और इस मूवमेंट को गांधी जी ने बंद कर दिया। लेकिन गांधी जी नाउ फेल्ट इन नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि इससे भी लार्ज परस्पेक्टिव में कोई मूवमेंट स्टार्ट की जाए, बट वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टूगेदर। तो लार्ज स्केल में बड़ी मूवमेंट जो थी तब तक नहीं लॉन्च कर सकते थे जब तक हिंदू और मुस्लिम जो थे वो इकट्ठे ना हो जाएं। तो गांधी जी चाहते थे हिंदू और मुस्लिम जो हैं हम दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो तब जो है एक बड़ा मूवमेंट जो है हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर सकते हैं। तो वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो गांधी जी को एक पता चला कि खिलाफत इशू के तहत जो है हम मुस्लिम्स को अपने साथ मिला सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमैन टर्की, तो ओटोमैन टर्की जो थी उस युद्ध में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें ओटोमैन टर्की जो थी उसकी हार हुई थी, और वहाँ का जो खलीफा था, जो इस्लामिक वर्ल्ड में जिसको स्पिरिचुअल हेड कहा जाता है, खलीफा को उन्होंने नज़रबंद कर लिया था। तो जिसके डिफेंड में जो खलीफा टेम्पोरल पावर्स जो थी वो उसकी सीज कर दी गई थी, तो एक भारत में एक खिलाफत कमेटी बनी, वॉज इंट्रोड्यूस। फिर एक खिलाफत मूवमेंट बनी, खिलाफत कमेटी बनी, ताकि जो खलीफा की टेम्पोरल पावर्स थी उसको डिफेंड किया जा सके। तो इस तरह से एक खिलाफत कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया, एक फ्रेम की गई बॉम्बे में मार्च 1990 में। तो इसमें दो मुस्लिम लीडर थे, दो ब्रदर्स थे, जिसको बोलते हैं ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने डिस्कस किया गांधी जी के साथ एंड बिगेन डिस्कसिंग द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, कि यूनाइटेडली जो है इस मास एक्शन किया जाए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को अपने साथ मिलाया और एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया।
एंड एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। तो कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, एंड ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ खलीफा एज वेल एज स्वराज। तो इस तरह से कि इकट्ठे मिलके जो है हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये गांधी जी ने उस कलकत्ता सेशन के अंदर जो है एक वो मीटिंग की और उन्होंने इस पे को इंट्रोड्यूस करने के लिए सभी को राजी किया। तो इस तरह से ये चैप्टर में ये पहली सेक्शन थी जिसको हमने बताया, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन वन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द सेकेंड सेक्शन डिफरिंग स्टैंड्स विद द मूवमेंट, एंड इन द थर्ड सेक्शन आई विल डिस्कस अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड इन द लास्ट सेक्शन डिस्कस अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो इन द एंड इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज एंड नोटिफिकेशन। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू।